आनंद की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हादी घोड़ा पाल की, जय यशोदा लाल की। इस वक्त हम मौजूद हैं कृपालु जी महाराज के कृपा मंदिर में, जहां पर भव्य आयोजन हो रहा है श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर। भव्य आयोजन यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पे लोग कितने सारे लोग मौजूद हैं, कितने अच्छे से वो लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो आयोजन यहाँ पर हुआ है उसका पूरा पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। फूल उड़ाकर यहाँ पे नाच गाना हो रहा है, कितनी खुशी यहाँ पर दिख रही है कृष्ण के जन्म को लेकर। यहाँ पर कितने ज़्यादा खुश हैं लोग, कितनी खुशी से यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। पूरे शहर में बल्कि पूरे देश में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जोश लोगों के अंदर है। श्री कृष्ण ने इस दिन देव की माँ की गोद से जन्म लिया था और समाज का, देश का उद्धार करने के लिए श्री कृष्ण का जन्म हुआ। तो आज उनका जन्मोत्सव है जिसके लिए सब बहुत ज़्यादा खुश हैं। अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर मटकी भी फोड़ी जाएगी। जिस तरीके से बहुत प्यार से कृष्ण कन्हैया रास लीलाएँ रचा करते थे, उस तरीके से डांडिया खेला करते थे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से उतने ही जोश, उतनी ही खुशी के साथ यहाँ पर सब लोग खुशी से जन्माष्टमी का आयोजन का लुत्फ उठा रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आप सबकी तरफ से श्री कृपालु जी महाराज की, जो आज आश्रम में सब लोग का सहयोग यहाँ पर आयोजन को लेकर किया गया, कितने दिन से तैयारियाँ चली आ रही हैं? ये करीब करीब 10 दिनों से इसकी तैयारियाँ चल रही हैं। इसमें ये अपने क्षितिज, तरंग, इन सब ने दिन रात लग के सेवा की है, जब जाके सब कुछ हो पाया। जैसे कि आज दही हांडी का प्रोग्राम था, उस सब में क्षितिज ने, तरंग ने, अनंत त्यागी ने, प्रियंका ने, हम सब ने मिलकर पूरा योगदान दिया है। पूरे शहर में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना भव्य आयोजन किया जा रहा है, कैसा महसूस हो रहा था ये सारी तैयारियां करते वक्त, कितनी खुशी है आप लोगों की? हम देखिए, तैयारी हम भले ही जरूर कर रहे थे, पर जो कराने वाले थे वो श्री कृष्ण ही थे, हमारे हाथ में कुछ नहीं था। वो सारी मेहनत, सब कुछ, जो हिम्मत थी वो उन्होंने ही दी थी। आपका क्या कहना है, श्री कृष्ण की आज जन्म हुआ है उनका और लोग बहुत खुश हैं, थोड़ी देर में दही हांडी का भी जो कार्यक्रम होने वाला है, इन सबको लेके क्या कहना चाहते हैं? हम लोग सब बहुत एक्साइटेड हैं और बहुत अच्छे से हम लोग इसे प्लान आउट कर रहे हैं कि हम उनके बर्थडे को, जन्माष्टमी के अवसर को बहुत अच्छे से एंजॉय करें। आपका क्या कहना है सर? कृपालु महाराज जी के मंदिर में जो संरक्षक हैं निश्चल त्यागी जी, ने बहुत प्रयास करा, 10 दिन से लगे हुए हैं बेचारे, भगवान ने और ठाकुर जी इनके एक कार्यक्रम की सफलता को दी है। तो किस किस, कौन कौन से प्रोग्राम यहाँ पे आज किए गए हैं? जैसे कि हम देख सकते हैं बाहर गरबा हो रहा है, लोग डांडिया खेल रहे हैं, तो क्योंकि कृष्ण जी रासलीलाएं भी किया करते, क्या रासलीलाओं का भी यहाँ पे लीलाएं भी रची जाएंगी? वो सब होगा, अभी आप देखिएगा थोड़ी देर में, आप पूरा एंजॉय करिएगा। जैसे इसमें आज दही हांडी का है, रासलीला का है, फिर रात को महाभोग है और फिर महाअभिषेक है और उसके बाद जन्म है। जन्मोत्सव पर कितनी खुशी आपके अंदर इस वक्त? आई बिलीव कि सबको इतनी ही खुशी होगी और श्री कृष्ण जी सबके भगवान हैं, एक ही हैं और सबको ही उसमें इंजॉय करते हैं, तो श्री कृष्ण के जन्म पे तो सबको, सब लोग ही इंजॉय करते हैं। और तो बर्थडेज आर की बहुत स्पेशल होने चाहिए और श्री कृष्ण का है, भगवान का है, सब पर हाथ रखते हैं वो, तो फिर इसके लिए आपने क्या ऐसा प्लान किया कि वो सबसे ज़्यादा बेस्ट? हम लोगों ने सोचा कि हम सारे कार्यक्रम उनके एक ही उसमें दिखाएं जन्मदिन पर, इसीलिए हमने दही हांडी, उनकी रास लीला जो जो उन्होंने कराए थे लीलाएं, कल हमने कृष्ण लीला की थी, आज हमने दही हांडी करी है, फिर अभी हम लोग यहाँ पे गरबा कर रहे हैं, जो उनके सब सारे प्रिय चीज़ें थी वो हमने सब करी हैं, फिर उनके लिए महाभोग होगा, उनका अभिषेक होगा, उन सारे कार्यक्रमों को हमने एक मोती में पिरोने की कोशिश करी है। तो मैं चाहूँगी कि आप सभी पूरे शहर को, पूरे देश को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ दें, सब लोग मिलकर हैप्पी जन्माष्टमी। Oh, thank you.